हेलो फ्रेंड्स, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हर रोज की तरह फिर से एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। आज रेसिपी है फ्रेंड्स लौकी और अंडे की। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 400 ग्राम फ्रेश लौकी। लौकी ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से पील करके धो के रख लिया है। साथ में 4 अंडे लिए हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को अच्छे से काट लिया है। इसके साथ ही 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको भी बारीक काटा है। साथ में हमने लिया है 8 से 10 कले लहसुन की बारीक कटी हुई, 3-4 हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया। ये सबको धो के अच्छे से बारीक काट लिया है। इसके साथ ही देखिए, हमने लौकी को अच्छे से क्रश कर लिया है। ये मोटे साइज से क्रश किया है, पतले से ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। और हमने देखिए, इसके बीच का हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ बाहर बाहर का इस्तेमाल किया है। बीच में सीड भी होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी रहता है। अब एक बाउल में हम अंडे को ले लेते हैं। अंडे को एक बाउल में सभी को तोड़ लेंगे। मैंने इसमें 4 अंडे का इस्तेमाल किया है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अंडे में हमने थोड़ा सा हरी मिर्च डाला है बारीक काटा हुआ। इसके साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया भी थोड़ा सा, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। स्किप भी कर सकते हैं इसको, पर डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है जिस तरह से हम इसको बनाने वाले हैं। अब थोड़ा मसाले ऐड करते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और इसके साथ ही हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान रहे ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा ही डालना है। और हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ध्यान रहे लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, अच्छे से फेंटिए जिससे कि इसमें मिर्च भी अच्छे से मिक्स हो जाए। 2-3 बार फेंट लीजिए। तो हमने इसका बैटर रेडी कर दिया अंडे का। अब हम एक फ्राई पैन को ले लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। एक फ्राई पैन में हमने लिया है 2 से 3 चम्मच तेल। कोई सा भी तेल ले लीजिए, बटर, घी, ऑयल जो है वो ले लीजिए। और तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए और इस तरह से पूरे फ्राई पैन में फैला दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे लौकी को। लौकी को हम इसलिए डाल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। थोड़ा सा पका लेंगे, जिस तरह से हम पकाने वाले हैं उसमें अलग से नहीं पकाया तो वो कच्चा रहेगा, और लौकी कच्ची रहेगी तो आपको खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और तेल में अच्छे से इसको चलाते हुए लगभग आपने 3 से 4 मिनट तक पका लेना है इसको, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो के ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। इस तरह से तेल में फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी पक जाता है। एक तो हमने क्रश किया है, गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। तो देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है अभी इसका। आपने भी सेम इसी तरह से कर लेना है। मुझे नहीं लगता आपने पहले इस रेसिपी को बनाया होगा कभी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो इसको स्किप कर दीजिए, नहीं तो आप कूट के भी ले सकते हैं लाल मिर्च को। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए हमने फ्राई पैन में इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर से हम डालने वाले हैं जो बैटर अंडे का किया हुआ है, उसको अच्छे से सेट करिए, कोई भी अप डाउन ना रहे। जब हम अंडे का बैटर डालेंगे तो अच्छे से बराबर जाना चाहिए इसमें, देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा बैटर हमने अभी बचा दिया है, पूरा नहीं डाला है। अब इसको थोड़ा सा सेक करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से सेट कर दिया है हमने। और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिए क्योंकि अंडे बहुत जल्दी पक जाते हैं और लौकी को पकने में देर लगता है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट एक साइड। तो देखिए 4 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है और हल्का हल्का कलर भी आने लगा है। और एक प्लेट की मदद से आपने इसको साइड चेंज कर लेना है। थोड़ा मुश्किल होगा, आराम से करिए, नहीं तो इसको दूसरे प्लेट में शिफ्ट करिए और चेंज कर दीजिए। बहुत ईजिली हो जाता है और ये टूटता नहीं है बिल्कुल। और उतना ही ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप इसके 1/2 पीस करिए, उसके बाद आराम से हो जाएगा। बाकी बचा हुआ बैटर भी डाल दिया हमने बैक साइड से और इसको अच्छे से फैला देंगे। और इस तरह से करने में और भी अच्छे से सेट हो जाता है क्योंकि हमने सेकेंड साइड से अंडा नहीं डाला था। अब हम दूसरे साइड को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे फुल स्टीम में। तो लो फ्लेम में हमने इसको अच्छे से पका लिया है। देखिए साइड चेंज करते रहिए, बीच में 1 से 2 2 से 3 टाइम आपने साइड चेंज करना है इसका। और एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया, देखिए हमने इसको एक बिल्कुल अच्छा मोटा ऑमलेट बन चुका है, लौकी का ऑमलेट।
और इसको देखिए आप काटेंगे, एक स्क्वायर शेप में काटेंगे, छोटे छोटे साइज, बड़े जैसे आपको ठीक लगे वैसे काट लीजिए। आप इसको ऐसे ही सॉस और ब्रेड के साथ खाना चाहे तो खा सकते हैं। ये 100% पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट बनाए देखिए, और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब इसको साइड में रखते हैं। एक कढ़ाई को ले लिया है, कढ़ाई में अच्छे से गर्म होने के बाद तेल डालेंगे, वही 2 से 3 चम्मच लेंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों का तेल लिया है तो थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, और इसमें डालेंगे 2 पीस दालचीनी के छोटे टुकड़े, 4 लौंग और 1/2 चम्मच साबुत जीरा। आप चाहे तो बाकी खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, वो मुंह में लगते हैं, इसलिए मैं गर्म मसाले का इस्तेमाल करूंगा एंड में। अच्छे से क्रैक होने के बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, आप चाहे तो इसको कूट के भी ले सकते हैं, पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने हरी मिर्च भी डाल दिया है। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से चला के पका लेंगे, बहुत जल्दी पकेगा क्योंकि सरसों का तेल काफ़ी गर्म रहता है। और हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को भी हम लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, या जब तक पकाए जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और मीडियम फ्लेम में चलाते हुए पकाएं, जलना नहीं चाहिए, ध्यान रहे। तो देखिए अभी हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और इसके साथ ही हम अभी डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला या किचन किंग मसाला, जो आपको अवेलेबल है उसको डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। किचन किंग मसाला आप किसी भी वेज नॉन वेज सब्जी में डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है वो, और नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर को हमने बारीक काट के लिया है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के ले सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले जले नहीं है देखिए, इसलिए हमने फटाफट टमाटर को मिक्स कर दिया है। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, क्योंकि हमने शुरू में ऑमलेट बनाते समय भी नमक डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि इसमें हल्का सा मॉइस्चर आएगा और टमाटर गलने में हेल्प मिलेगा। और इसको चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे मीडियम फ्लेम में। टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे, टमाटर के ऊपर नमक डालने से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी गलते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही चला लिया है देखिए। अब हम इसको ढक के रख देते हैं। ढकने से पहले हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो एंड में भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है ग्रेवी में, इसलिए मैंने अभी डाला है। और ढक के 2 मिनट इसको लो फ्लेम में पकने देंगे। 2 मिनट के बाद देखिए बहुत अच्छे से मॉइस्चर ख़त्म, टमाटर गल चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है। थोड़ी देर चला लेंगे, बीच में एक बार चेक करते रहे, ध्यान रहे लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ml पानी। इसका ग्रेवी ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, तभी इसकी ग्रेवी में अच्छा कलर, टेस्ट और टेक्चर आता है। इसको अच्छे से हम पकने तक, उबाल आने तक चलाते हुए पकाएंगे। आप चाहे तो इस टाइम पे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दीजिए, क्योंकि हम बाद में नहीं डाल सकते, और 2 मिनट उबाल आने के लिए आपने इसको ढक के पका लेना है। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल किया मैंने। अब फ्रेंड्स इसमें अंडे का जो ऑमलेट बनाया हुआ है उसको डाल देंगे एक एक करके, सभी को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ग्रेवी में अच्छे से आना चाहिए, उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा है तो नहीं डालना है, नहीं तो सभी ग्रेवी अंडे अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। तो चलाने के समय देखिए इतना ग्रेवी होना चाहिए, इतना ही डालना है आपने इसमें अंडा। तो अब देखिए एक परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, घर पर ज़रूर ट्राई करें। और गार्निशिंग के लिए लेंगे हम हरा धनिया, और हम इसको गैस का फ्लेम ऑफ करके 2 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ढक के। 2 मिनट के बाद सर्व करिए, इसको पराठे, रोटी, नान, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें,
हर दिन आपको ऐसी रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।